हेलो गाइस, राम राम सभी को। मैं आपकी मिसेस तेवतिया ब्लॉगर, और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। और मैं अपने गांव आई हुई हूँ और शाम को चले जाएंगे। यहाँ पे दीदी लोग रंगोली बना रहे हैं, पूरी प्रिपरेशन चल रही है। और देखो ये मेरे यहाँ का व्यू है, देखो गाँव में भी अच्छे अच्छे घर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। रहते हुए हम बाहर हैं, यहाँ पर भी हैं हमारे सब लोग, सास ससुर, दादी, चाची, चाचा, ननद, सब लोग हैं। चलो जैसे भी होगा मैं आपको सब छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखाऊंगी। बाय बाय। ये है हमारा गांव का घर। अब हम गांव आ चुके हैं अपने देवी देवता नहलाने और मंदिर पर। ये है हमारे देवता और ये हमारा बंगला, जिसे गांव में कहते हैं घेर, लेकिन हमारे यहाँ घेर नहीं कहते, हमारे यहाँ कहते हैं बंगला। और गांव से बिलोंग करते हैं तो भैंस गाय वगैरह तो होंगी ही। देखो ये हमारे यहाँ का व्यू। हम लोगों को पेड़ पौधे बहुत पसंद है, इसलिए हमने पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं। हर तरह के पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर मंकी भी बहुत ज़्यादा है। ये हमारी गाय और भैंस, ये हमारे यहाँ का व्यू। और ये हमारे देवर जी और ये दादी जी। दादी हाय बोलो। अब हम ऊपर आ गए हैं। ये है हमारे ऊपर का घर। ये कपड़े धुलकर सूख चुके हैं। ये हमारी चाची हैं, बोलो हाय। ऊपर भी काफी सारे फूल पौधे हैं। ये रे। ऊपर से ऐसे लगेगा, देखो। आप लोग बोलोगे थोड़ा मंदा बोल रही है, गांव में थोड़ा मंदा ही बोलते हैं। ये हमारे भैया हैं देवर जी, बोलो हाय। ये बीमार हो रहे हैं, इनको टाइफाइड आया है। और ये दीदी हैं, ये मेरी बेटी हैं, हाय। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। ये हमारे यहाँ की रंगोली बन चुकी है, देखो गाइस। देखो मेरे बेटे ने भी बनाई है, देखो ये मेरे बेटे ने बनाई है, देखो देखो। अभी हम यहीं पर हैं, शाम को जाएंगे वहाँ पर भी देखेंगे जाकर क्या क्या करना है। देखो वाओ, ये मेरा बेटा भी लगा पड़ा है, सब लोग लगे पड़े हैं कुछ ना कुछ करने में।